Hey guys, welcome to my channel WB Free Mesh Solution. This is संजना गिरी. Guys, हम लोग पिछले वीडियो में 6 तक सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है. लेकिन आज मैं ये अपलोड कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 14, बिकॉज मुझे कमेंट में मिस्टर प्रणव साहा ने क्वेश्चन ये पूछा है कि हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 14. सो मैं ये क्वेश्चन 14 सॉल्व करने जा रही हूँ. आप लोग देखते रहना, ये सब मैं सॉल्व करूंगी, ठीक है. लेकिन अभी मैं क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व कर रही हूँ. ओके, सो मिस्टर प्रणव साहा, होप आप ये वीडियो देखेंगे, और यदि आपको पसंद आए तो प्लीज आप कमेंट जरूर करें, लाइक करें, और आप लोग के लिए प्लीज आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें. ओके, तो मैं ये एक्चुअली मैं अपलोड इसलिए कर रही हूँ पहले, क्योंकि मुझे हर एक सब्सक्राइबर मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, बिकॉज मैंने अभी ये चैनल स्टार्ट किया है, और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का मुझे फुल सपोर्ट मिले. ओके, सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप वॉचिंग. ओके, सो चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं. एक प्रकार के सिरप में जल और ऑसिस्टांस के परिमाण का अनुपात 89:11 है. इसी प्रकार के 22 लीटर सिरप में कितना और जल मिलाया जाए कि जल व अवशिष्टांश के परिमाण का अनुपात 90:10 होगा. ये हिसाब करके देखना है. आप लोग देखो, पहले तो ये देखो कि सिरप में जल और जो रेस्ट पार्ट है यानी अवशिष्टांश का परिमाण यहाँ पे दिया हुआ है 89:11. तो यहाँ पे दे दिया है मेरा कि 22 लीटर सिरप में पहले कितना होगा. तो हम ये से पहले 22 लीटर सिरप में जल और रेस्ट पार्ट यानी अवशिष्टांश का हम लोग निकालेंगे कि ये कितना है, ठीक है. उसके बाद सिरप में और कितना जल मिलाया जाए, यानी मेरा यहाँ पे जल और अवशिष्टांश यहाँ अलग अलग आ जाएंगे कि 22 लीटर में मेरा जल कितना है और सिरप कितना है. उसके बाद हम लोग कितना और जल यानी कि कितना जल ऐड करेंगे, यानी हम एक्स लीटर यदि ऐड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है. चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं. सो लिखेंगे रेशियो ऑफ वाटर एंड रेशियो ऑफ वाटर एंड रेस्ट पार्ट ऑफ द सिरप इक्वल टू, यहाँ रेशियो कितना दिया है 89:11. ओके, तो इसका हम लोग अनुपातिक योग, रेशियो ऑफ अनुपात जल और अवशिष्टांश का अनुपात इक्वल टू 89:11. ओके, उसके बाद हम इसका अनुपातिक योग निकालेंगे यानी प्रोपोर्शनल एडिशन, ठीक है. सो प्रोपोर्शनल एडिशन इक्वल टू 89+11 दैट इज 100. ओके, अब यहां से हमें निकलेगा, सो वाटर इन द सिरप, पहले हम ये नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे कि कितना यहाँ पे 22 लीटर पूछा है ना, 22 लीटर दिया हुआ है. सो हम यहाँ लिखेंगे, सो सिरप इक्वल टू 22 लीटर. ओके, उसके बाद हम यहाँ निकालेंगे कि इसमें वाटर कितना है. देखिए, वाटर एंड रेस्ट पार्ट ऑफ सिरप, सो यहाँ वाटर का ये 89 दिया हुआ है. सो यहाँ लिखेंगे वाटर इन द सिरप इक्वल टू 89 बाई अनुपातिक योग यानी प्रोपोर्शनल एडिशन 100 इंटू 22 लीटर. ओके, देखो आप लोग यहाँ कट रहा है तो हम इसे काट देंगे, 11 × 2 = 22 एंड 50 × 100. तो यहाँ मैं कितना यहाँ पे आया, यहाँ आया 979/50. ओके, ये मेरा निकला वाटर सिरप. अब इसी तरह से हम रेस्ट पार्ट ऑफ सिरप यानी अवशिष्टांश निकालेंगे. सो यहाँ लिखेंगे रेस्ट पार्ट
ऑफ सिरप इक्वल टू रेस्ट पार्ट ऑफ सिरप, इसका यानी असिस्टांस का मेरा रेशियो यहाँ पे दिया 11, सो 11 बाई 100 इंटू 22, फिर वही 50 11, ओके 50 11, फिर यहाँ पे 11 इंटू 11 दैट इज 121 बाई 50, ठीक है, ये मेरा निकल गया यहाँ पे असिस्टांस का, कितना सिरप में असिस्टांस है और यहाँ पे वाटर यानी जल कितना है। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यदि इसमें कितना और जल मिलाया जाए, तो जल और कितना मिलाएंगे कि जो जल और असिस्टांस का अब परिमाण यानी अब रेशियो 90:10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि हम x लीटर हम जल मिलाते हैं, ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ लेट x लीटर ऑफ वाटर टू बी एडेड टू लेट x लीटर ऑफ वाटर टू बी एडेड टू द सिरप so that the ratio of water and rest part of syrup equal to यहां दिया हुआ है 90:10, ओके 90:10 हो जाएगा। ये हम लिख दिए कि x लीटर हम ऐड करेंगे तो मेरा वाटर और रेस्ट पार्ट ऑफ सिरप का रेशियो है 90:10 हो जाएगा। चलो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सो हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। अब x पार्ट हम वाटर में मिला दिए हैं, पहले मेरा वाटर का निकला हुआ था 979 by 50 और हम इसमें x लीटर और ऐड कर रहे हैं, सो प्लस x इज टू 121 यानी रेस्ट पार्ट का रेशियो है 121 by 50 इक्वल टू 90:10, ठीक है, पहले मैंने ये लिख दिया है, ठीक है 90:10 हो जाएगा। चलो इसे हम सॉल्व करते हैं 979 अब बाई 50 प्लस एक्स बाई, ये बाई है इसका 121 बाई 50, ओके इक्वल टू 90 बाई 100, ठीक है, ध्यान से देखना आप लोग, इसमें बहुत लोग का क्वेश्चन में रॉन्ग हो जाता है इसलिए मैं बोल रही हूँ, ये बाई पे मतलब कि ये इस पे बाई पे बाई है, इसलिए यहाँ देखिए मैं 50 यहाँ पे एलसीएम ले रही हूँ दोनों से, तो इसका 50 है दैट इज 979 प्लस 50x होगा, ठीक है एलसीएम से, ओके ये बड़ा वाला बाई 121 बाई 50 इक्वल टू 90 बाई 100, ठीक है। अब आप लोग देखो ये 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा, यानी 979 प्लस 50x बाई 121 इक्वल टू 90 बाई 10, ये होगा, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई मैं यहाँ पे कर रही हूँ, तो लिखेंगे 979 इंटू 10 होगा तो ये 0 एक बढ़ जाएगा, प्लस 50 से 10 का ये होगा तो 500x इक्वल टू 90 इंटू 121, ओके 90 इंटू 121 ओके फिर हम यहाँ पे 9790 प्लस 500 इक्वल टू 90 इंटू 121 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मेरा आएगा 108
10890, ठीक है 10890। यदि ऐसे नहीं हो रहा तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ 10890, ठीक है ये 500x, ओके सो 500x इक्वल टू, अब इधर से ये इधर जाएगा, इक्वल के जब इधर जाता है तो साइन चेंज हो जाता है। आप लोग जब अलजेब्रा बनाए होंगे क्लास 7 में तो आप लोग जानते हो कि साइन चेंज हो जाता है। सो यहाँ प्लस है 9790, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, सो माइनस 9790, ओके 500x इक्वल टू, अब कितना मेरा आया 1100, इतना आया माइनस करके, सो यहाँ लिखेंगे सो x इक्वल टू 1100 बाई 500, ओके 20 से 20 कैंसिल, सो x इक्वल टू 11/5, ओके यानी कि यहाँ पे यदि हम करेंगे तो 2.2 आया, 2.2 लीटर, ठीक है 2.2 लीटर यदि हम ऐड करेंगे तो मेरा रेशियो 90:10 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कि इन 22 लीटर सिरप बाय एडिंग 2.2 लीटर ऑफ वाटर द रेशियो विल बी 90:10, ओके लिख देते हैं यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ। सो इन 22 लीटर ऑफ सिरप, 22 लीटर ऑफ सिरप बाय एडिंग 2.2 लीटर वाटर द रेशियो बिकम 90:10, ओके दैट इज द आंसर। होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए हो, सो प्लीज आप लोग लाइक करो, कमेंट करो। देखो कमेंट करने से क्या होता है कि मुझे पता चलेगा कि हाँ आप लोग क्या पूछना चाहते हो और मुझे भी समझ में आएगा कि आप लोग देख रहे हो। सो प्लीज आप लोगों का मुझे पूरा सपोर्ट चाहिए, मेरा यही उद्देश्य है कि अभी इस लॉकडाउन पीरियड में और COVID-19 के कारण जो बच्चे ट्यूशन नहीं ले पा रहे हैं वो ये करें, देखें मेरे वीडियोस को, ओके सो प्लीज गाइस लाइक शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ओके बाय बाय।